सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, तो हितेश और उसके पापा चले गए हैं घास काटने को, और मैं और हरदीप हम दोनों हैं घर में। तो मैं तो बना रही हूँ अभी खाना, और यहाँ पे हरदीप तो है अपने काम में बिजी, तो यहाँ पे इसको अपने कमरे की सेटिंग भी करनी है और अपना काम भी करना है। और हरदीप ने मेरी हेल्प कर ली है थोड़ी सी, तो ये ना पशुओं को पानी पिला करके आया है अभी अंदर, और इसको है अपना काम करने को। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं रोज़ रोज़ ही कमरे की सेटिंग करने लगूंगा ना, तो मैं सेटिंग करता ही रह जाऊंगा। तो चलो ठीक है, इसको जो करना है ये करता रहे अंदर। और यहाँ पे पानी पीने के बाद तो ये दोनों तो बैठे हुए हैं, भैंस और इसका बच्चा, और चंदू तो भी खड़ा है। और यहाँ पे मैंने एक कुकर चावल का उबाल दिया है, और आज मैंने चावल ना बड़े कुकर में डाले हैं, क्योंकि अभी ना हम सारा परिवार है घर में इकट्ठा। तो चार लोगों का परिवार है हमारा, तो चारों घर में इकट्ठा है। और ज़्यादातर हम सुबह ना रोटी पकाते हैं, पर काम को लेट हो जाते हैं ना फिर, और घर में भी थोड़ा बिजी रहते हैं। तो तब आज मैंने बोला कि चलो चावल ही बनाती हूँ, और साथ में मुझे थोड़ी सी रोटी भी बनानी है। और चावल के साथ में आज मैं बना रही हूँ साग, तो साग भी मैंने उबाल करके रख लिया है, और अभी साग को तड़का लगाना है मुझे। तो ये देखिए, यहाँ पे इस वाले कुकर में मैंने साग उबाल करके रखा है, और इसमें मैंने चावल डाले हैं, हरी पत्तियाँ हैं ये ना, कुछ अरबी की पत्तियाँ हैं, कुछ राई की है, तो मिक्स निकाली है मैंने, और इनको कुकर में उबाला है। और यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज काट करके भी रख लिया है, और लाल मिर्च और कड़ी पत्ता भी रख लिया है थाली में। और खाना मैं आज का ना गैस पे बना रही हूँ, तो गैस पे थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो अब मैं साग को तड़का लगाऊंगी, तो पहले गैस कर लूँगी ऑन, और हमारा लाइटर नहीं जल रहा है ना, तो माचिस से जला रही हूँ मैं गैस को। यहाँ पे रख लिया है मैंने गैस पे कढ़ाई को, तो अब मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ यहाँ पे। और ये जो मैं साग बना रही हूँ ना, तो ये चावल के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है, ऐसे रोटी के साथ में टेस्ट लगता है, पर आज तब मैंने चावल बनाए, मैंने बोला कि साग बना रही हूँ, तो चलो चावल ही बनाती हूँ साथ में। तो किस किस को साग पसंद है, जिन जिनको साग पसंद है ना, वो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ में जो लोग चैनल पे नए आए हैं, तो वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और हमने कब का सोचा था कि हम ना अपनी नई रसोई में जा करके खाना बनाएंगे, पर वहाँ पे अभी हमारा काम कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो जितने को सोचते हैं कि अभी रसोई का काम कंप्लीट करवाएंगे, उतने को घर के काम पड़ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे कि अभी भी हमें ना घास काटने का काम पड़ा हुआ, मतलब सरलू का, इससे पहले तो खेतों की मक्की वगैरह थी जो भी थोड़ी बहुत, उसको इकट्ठा किया, लेकिन अभी तो हम सरलू इकट्ठा कर ही लेंगे, जो भी घास होता है धरती पर ना उसको सारा काट करके रख ही लेंगे। अगर लेट हो जाएगा घास काटने को, तो फिर क्या होगा कि घास सूख जाएगा, तो फिर पशु उसको खाते नहीं अच्छे से। अभी घास हरा हरा है ना, तो उसको हरा काट करके रख देंगे, तो फिर पशु सारी सर्दियों बढ़िया से खाते हैं घास को। तो तब हम यहाँ पे बिजी हो गए बहुत ही ज़्यादा। तो अभी देखते हैं कब तक हम अपनी नई रसोई में जा करके खाना बनाएंगे। अब थोड़ा बहुत काम बचा है वहाँ पे करवाने को ना, तो उसको करवाना था कम्प्लीट है। तो आजकल मिस्त्रियों को भी काम पड़ गया है, तो हमें भी काम पड़ गया है। तो अभी यहाँ पे हमारा तेल भी हो गया है गर्म, अब मैं कढ़ाई में एक एक करके मसाले डालूंगी। ये तो है हमारा कड़ी पत्ता, लाल मिर्च डाल रही है, और ये थोड़ा सा जीरा, और ये धनिया, और ये मेथी दाना, और ये लहसुन प्याज काटा है। और आजकल वीडियो बनाने की भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि घर में इतने ज़्यादा काम है ना, तो अगर वीडियो बना भी लेती हूँ तो एडिट करने को भी टाइम लगता है फिर। तो आज तो है 13 अक्टूबर, तो 13 अक्टूबर को बना रही हूँ मैं ये वीडियो। तो वैसे मैंने जो वीडियो बनाई हुई है उनको मैं आगे पीछे अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि सारा दिन बरसात के वो होते हैं ना, तो फिर शाम को आते हैं घर में तो अंधेरा हो गया होता है, तो उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ, तो तब साथ साथ वीडियो भी एडिट करती हूँ, तो तब हो जाता है मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट फिर। तो कढ़ाई में हमारा तड़का भी तैयार हो गया है, तो अब मैं अपना ये उबाला हुआ साग डालूंगी कढ़ाई में। ये देखिए रहा हमारा साग, और इसमें हल्दी नमक भी डाल दिया है मैंने। मुझे अब और पानी डालना है, तो मैं यहाँ पे कुकर में डाल रही हूँ पानी, ताकि इसके अंदर जो भी साग लगा है ना, वो भी पानी के साथ में कढ़ाई में डाल लूँगी मैं मिक्स करके। तो अब साग को लगाना है एक उबाल, जो कि इसमें पानी डाला है ना एक्स्ट्रा, तो वो अच्छे से उबल जाए। तो जितने को अब हमारा ये साग उबलेगा ना, तो उतने को मैं अब 5-7 फुलके पका लूँगी, क्योंकि सारा दिन के लिए होता है ये खाना ना, तो फिर आजकल काम किया होता है और थके भी होते हैं, तो कभी दिन में अगर भूख लग जाती है तो खाना खाते हैं दिन में। अब भूख तो दिन में लगती लगती है, तो 2 बार तो खाना खाते ही खाते हैं, 3 बार ही खा लेते हैं कभी कभी। तो फिर कई बार क्या होता है कि खाना शाम को लेट बनता है ना, तो इसलिए क्या करते हैं सुबह खाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तो मैंने एक कुकर तो चावल का उबाला है, पर साथ में थोड़ी सी रोटी पका लूँगी ना, तो साथ में खा लेंगे थोड़ी थोड़ी रोटी भी, फिर शाम को तो फिर से चावल ही बनेंगे फिर।
तो फिर मतलब अगर शाम को खाना लेट भी बना तो दिन में खाना बचा हुआ होता है ना, तो अगर किसी को भूख लगती है तो वो खाना खा सकता है आराम से, तरह से बनता है हमारा खाना। तो अभी हमारा पूरा खाना तैयार हो गया है, तो अब दिखाते हैं आपको भी। तो यहाँ पे कुकर में ये रहे हमारे चावल, और यहाँ पे कढ़ाई में ये रहा हमारा साग। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, एकदम चिकना चिकना सा लग रहा है देखने में ये देखिए। और साथ में ये रही यहाँ पे हमारी रोटी, और ये सेब रखे हैं साथ में सलाद के लिए। और अभी हितेश के पापा तो आ गए हैं घास काट करके, पर हितेश ने अभी आया है तो 10:30 बज गए हैं, तो उसका इंतज़ार कर रही हूँ मैं भी। तो उसको फ़ोन करूँगी मैं, तब वो आएगा ना, तब खाएंगे हम फिर खाना। तो अभी बज रहे हैं 11:30, और खाना हमने खा लिया है सबने। और खाना खाने के बाद मैंने ना यहाँ पे पनीर फाड़ा है और इसको रखा है यहाँ पे। ये मैंने स्पेशल हितेश के लिए फाड़ा है क्योंकि वो आया है घर में ना। तो अब मुझे अपने पशुओं के लिए चूर्ण बनाना है, तो यहाँ पे मैंने मिक्सी लगा ली है, और यहाँ पे ये ली है मैंने अजवाइन। तो ये पशुओं की अजवाइन होती है स्पेशल, और हमारे यहाँ पे काफ़ी होती है। तो ये पिछले साल की है पुरानी, इस बार तो कम दिख रही थी मुझे भी खेतों में, ऐसे उगी होती है बाहर कहीं मतलब। तो उसको इकट्ठा करके उसके दाने निकाल करके और पत्ते भी साथ में उनको सुखा करके हम रख लेते हैं, और फिर इनको पीस करके इनका पाउडर बना करके खिलाते हैं पशुओं को। तो आज मैं भी इसका पाउडर बना रही हूँ, और मैं हर टाइम पीस करके रखती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर से पीस लेते हैं इसको। तो एक तो हो गई हमारी अजवाइन, और दूसरा ये है तारामीरा। तो इसका मुझे चूर्ण बनाना है, और अलग अलग पीसूँगी मैं दोनों को। फिर जब पशुओं को हम दलिया खिलाते हैं ना, तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा करके पशुओं को दलिए में डाल देते हैं खाने को, तो इससे पशु घास भी खाता है बढ़िया से और पानी भी पीता है फिर। तो अब मैं मिक्सर जार में डालूँगी, पहले तो ये अजवाइन पीस लूँगी मैं, और इसमें मैंने हल्दी पीसी है ना, तो इसको ऐसे ही रखा था मैंने, साफ नहीं किया था। अजवाइन पीस है मैंने थोड़ी सी अभी ना, तो एकदम बारीक पाउडर बन गया है इसका। तो इसी तरह से मुझे ये सारी अजवाइन और ये तारामीरा पीस लेना है, फिर दिखाऊंगी आपको बाद में। तो 5 मिनट में पशुओं का चूर्ण बना के मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, ये तो है अजवाइन, और भरी थाली हो गई है अजवाइन की, ये देखिए पूरी थाली फुल हो गई है। और यहाँ पे इस वाली थाली में ये है तारामीरा, तो इसका भी एकदम बढ़िया पाउडर बन गया है ये देखिए। और ये दुकान में भी सभी मिलता है, पर मैं साबुत ही लाती हूँ और अपने घर में खुद पीसती हूँ। तो कई बार तो हाथ से ही पिसाई करते हैं इसकी, और कई बार तो जो माँ पिसने की मशीन होती है ना उसमें पीसती हूँ मैं, लेकिन अभी मैं मिक्सी में पीसती हूँ तो मिक्सी में बहुत ही जल्दी पिस जाता है ये। तो अब मैं इस चूर्ण को ना स्टोर करके रख लूँगी, और थोड़ा थोड़ा करके खिलाएंगे फिर अपने पशुओं को रोज। तो अब यहाँ पे इस थाली में मैंने निकाले हैं बाबरे के बीज, तो ये पूरी तरह से पके नहीं थे ना, तो दाने पूरी तरह से अलग नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे ये वेस्टेज रह गया है थोड़ा सा। और बाबरे के दाने होते हैं बहुत ही छोटे छोटे से, जैसे कि प्याज का बीज नहीं होता है काले रंग का और बारीक ना, तो उसी तरह के ही बारीक दाने होते हैं बाबरे के। तो वो भी इसके अंदर बहुत सारा वेस्टेज है ना, तो तब नहीं दिख रहे हैं ये दाने। और ये इतना सारा बाबरे का वेस्टेज है तो इसको मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैं पशुओं को खिलाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी दिन के 1:48 हो गए हैं। तो इसी के साथ ही मैं आज के अपने इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।